मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होते ही राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, खंडवा, छिंदवाड़ा, रीवा, सागर, जबलपुर आदि जिलों में लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। नर्मदा सहित अन्य नदियों के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 1 जून से 23 अगस्त 2024 तक प्रदेश में कुल 770 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 9% ज्यादा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के लगभग इलाकों में हल्की और भारी बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ की आशंका भी जताई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं और कई जिलों में राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। चंबल संभाग के जिलों में हल्की बारिश देखी गई, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभागों में अधिकतर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बाकी इलाकों में मौसम सामान्य रहा। शुक्रवार को राज्य का सबसे ज्यादा गर्म शहर ग्वालियर रहा। यहां 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीएस यादव ने बताया कि वर्तमान में बीकानेर, सीकर, उरई होते हुए बंगाल की खाड़ी तक लो प्रेशर फैला हुआ है। साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ महाराष्ट्र तट के पास अरब सागर में सक्रिय है। इसके चलते पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने क्या क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि हमने पिछले 24 घंटों के दौरान बताया था कि बंगाल की खाड़ी के जो पश्चिमोत्तर हिस्से में एक निम्न दाब क्षेत्र है, वो डिप्रेशन में बदल चुका है और ये डीप डिप्रेशन में तब्दील होते हुए अभी आप सैटेलाइट इमेजरी में जैसे देख सकते हैं, उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से के आसपास काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग है। अभी लगभग कुछ घंटे पहले ही ये डीप डिप्रेशन पुरी के आसपास इसने भारतीय पूर्वी तटरेखा को पार किया है और धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा। बहुत सारी क्लाउडीनेस एमपी के अलग अलग हिस्सों में आप देख सकते हैं और ये डीप डिप्रेशन का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहने वाला है। हालांकि ये कल डिप्रेशन में थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। इसके चलते हुए जो हमने आगामी 3 दिनों के लिए प्रेस रिलीज जारी की है, आप सिनॉप्टिक मैप में देख सकते हैं। अभी जो मानसून ट्रफ लाइन है, ये मध्य प्रदेश के लगभग लगभग बीचों बीच से होकर जा रही है और उसी के चलते हुए जो हमने वार्निंग इश्यूज की है इसमें, जैसे कि जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबा, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग और कुछ जिले इंदौर संभाग में, जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट माने अति भारी वर्षा 12 से 21 सेंटीमीटर, जबकि कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जिसमें पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल माने 21 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। ये सिस्टम और जब पश्चिम दिशा की तरफ मूव करेगा, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर लाई करेगा और 11 सितंबर को लगभग लगभग प्रदेश के सभी हिस्से ऑरेंज अलर्ट माने वेरी हैवी रेनफॉल की अति भारी वर्षा जो 12 से 21 सेंटीमीटर के बीच है उसके प्रभाव में रहेंगे, जिसमें ग्वालियर, चंबा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लगे हुए हिस्से, सागर संभाग, जबलपुर और शहडोल संभाग के हिस्से, जबकि रीवा और इंदौर उज्जैन के जो राजस्थान से लगे हुए हिस्से हैं वहाँ पे येलो अलर्ट माने मध्यम से भारी वर्षा का दौर रहेगा। 12 सितंबर को सिस्टम कमजोर हो चुका होगा, लेकिन उस समय भी मध्यम से भारी वर्षा का दौर प्रदेश भर में कहीं कहीं पर जारी रहेगा और 13 सितंबर के बाद सिस्टम का असर काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका होगा और मध्यम वर्षा का दौर जो प्रदेश में है वो जारी रहेगा, जबकि कोई भी रेड या ऑरेंज अलर्ट नहीं रहेगा। राज्य के कई जिलों में आज शनिवार को मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर छिंदवाड़ा, सिवनी, इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, बुरहानपुर और बालाघाट सहित 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, भोपाल, जबलपुर और सहित कई जिलों में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। साथ ही इन जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी हो सकती है। गुना, आगर, शिवपुरी, श्योपुर कलां, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शहडोल, दतिया, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिंगरौली जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा और धार जिलों में भी भारी बारिश के चलते हल्का बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।